सभी दीदी को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको आरएफ फंड के यूज के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह में जो आरएफ 15,000 रुपए मिलता है, प्रत्येक समूह को दिया जाता है, यह समूह में किस काम के लिए आता है, ऐसा हमसे एक दीदी ने कमेंट करके पूछा है। क्योंकि 15,000 रुपए बहुत अधिक पैसा तो नहीं होता है, और इससे कोई रोजगार अगर करना चाहे तो समूह में अगर मान लीजिए कि 12 दीदी है और ये 15,000 रुपए आएंगे तो 12 दीदी को कितना कितना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि 1,000-2,000 रुपए में वो कोई रोजगार शुरू कर लेंगे या कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपके समूह में ये 15,000 रुपए आता है आरएफ का, तो आप इससे क्या क्या काम कर सकती हैं। समूह में ये एक तरीके से अनुदान के रूप में आता है, यानी समूह को एक बार ये 15,000 आरएफ का रुपया मिल जाता है तो यह ना तो ग्राम संगठन में वापसी करना है, ना सीएलएफ में वापसी करना, ना ब्लॉक को वापसी करना है, कहीं पर वापसी नहीं जाएगा, ये आपके समूह में रहेगा, आपको यूज करना है और 1% मासिक ब्याज पर अपने समूह को लौटाते रहना है। चलिए इसके हम यूज समझ लेते हैं कि यह पैसा समूह को दिया क्यों जाता है। क्योंकि 15,000 में कोई रोजगार तो हम नहीं कर सकते कि कोई दुकान खोल लेंगे या कोई ब्यूटी पार्लर, कोई परचून की दुकान, क्योंकि सब दीदियां सोचती हैं कि हमें पैसा मिले, हम भी समूह में जुड़े हैं, तो 15,000 अगर बांटती हैं आपस में तो क्या ही काम करेंगी। और अगर नहीं बांटती हैं तो उसको समूह के खाते पर रखे रहेंगे, रखे रहने से क्या होगा, पड़ा रहेगा खाते में, कोई यूज नहीं कर पाएगा। ये सब इकट्ठा एक दीदी ले सकती है, ये पूरा 15,000 किसी एक दीदी को मिल सकता है, या दो दीदी आपस में ले सकती हैं, या किस काम के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रोजगार अगर आप कोई करना चाहते हैं रोजगार, तो ये जो समूह बनाया गया है ये रोजगार करने के लिए बनाए गए हैं कि समूह में जुड़ करके आप कोई ना कोई रोजगार करें। अब अगर आपको आरएफ, आरएफ का मतलब होता है रिवॉल्विंग फंड, ठीक है, रिवॉल्विंग फंड। जिन लोगों को समूह की नौकरी करनी होती है तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। रिवॉल्विंग फंड होता है पराक्रमी निधि। पराक्रमी निधि बहुत लोग जानते होंगे लेकिन नए लोग नहीं जानते हैं, पराक्रमी निधि या चक्रीय निधि, ठीक है, चक्रीय निधि। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, चक्रीय निधि चक्कर की तरह समूह में चलती रहती है, दीदी लोग के बीच में ये राशि उधार के रूप में चलती रहती है, दीदी समूह से लेती है वापस करती है, लेती है वापस करती है, लेती है वापस करती है। तो देखिए, पराक्रमी निधि मतलब इससे आपको कुछ अच्छा करना होता है अपने परिवार के लिए, अपने लिए। अब देखिए, रिवॉल्विंग फंड 15,000 मिला, अगर समूह की दीदी 15,000 रुपए पाती हैं तो पूरा समूह मिलकर अगर कोई काम शुरू करता है तो 15,000 से अगर उनका काम चल रहा है तो सब लोग मिलकर भी एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उस बिजनेस में जो भी फायदा मिलेगा, जो भी लाभ होगा, सब दीदी को उसका मुनाफा मिलेगा, आपस में बांटेंगी और वो पैसा उनके यूज में आएगा, आपस में मिलकर रोजगार को चला सकती है, कोई प्रोडक्ट बनाने का काम कर सकती है, कोई बेचने का काम कर सकती है। लेकिन अगर आप लोग एक साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती है, अलग अलग करना चाहती है, तो इतने पैसों में आपका कोई रोजगार अगर चल पा रहा है, मान लीजिए कि आपके में से कोई दीदी चाहती है कि हम सिलाई की मशीन खरीद ले, अब सिलाई की मशीन अगर उसकी 5,000 की मिल रही है तो 15,000 में से 5,000 रुपए ले सकती है, 10,000 पड़े रहेंगे, और किसी दीदी को आवश्यकता होगी तो वो ले सकती हैं। तो इस तरीके से आप 2 से 3 दीदी भी इसको ले सकती हैं। अगर एक दीदी पूरा लेना चाहे और सभी समूह की सहमति पूरे की रहेगी, सब दीदियां सहमत कि इनको 15,000 दे दो, काम चला ले, जब वापसी करेंगी तो अगला कोई ले लेगा, तो आप वो भी कर सकती हैं। लेकिन इस पैसे का बाकी उपयोग क्या होता है, देखिए इस पैसे का बाकी जो उपयोग होता है वो आपका, जैसे कि शादी पड़ जाती है आपके घर में, आपके परिवार में बच्चों में से किसी का अगर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, मान लीजिए आपने क्योंकि समूह में गरीब महिलाएं ही जुड़ी हैं तो गरीब महिलाएं बहुत बड़ी शादी तो नहीं करेंगी, तो अगर आप अपने बच्चे का शादी करना चाहती हैं, आपका 15,000-20,000 रुपए इकट्ठा हो गया और आप सोच रहे हैं कहीं से 10,000 और मिल जाते तो काम चल जाता, तो आप ये पैसा ले सकते हैं इस कार्य के लिए और फिर ब्याज सहित उसको अपने समूह में वापसी कर सकते हैं। या अचानक आपके परिवार में कोई भी बीमार पड़ जाता है और आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप इस आरएफ के पैसे में से अपने समूह में से पैसा ले सकती हैं। अगर आपके घर में मतलब पानी टपकता है, टीन डलवानी है, अगर 15,000 में काम चल रहा है या 10,000 में काम चल रहा है या 5,000 में काम चल जाएगा तो आप उसके लिए भी ले सकती हैं, टीन आदि डलवाने के लिए, मतलब घर पे आपके जो है छाई वगैरह करने के लिए अगर आवश्यकता है तो ले सकती हैं। या बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है और लेट बहुत हुआ जा रहा है तो आप अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए भी इसको ले सकती हैं, स्कूल फीस के लिए भी आप इसको ले सकती हैं। तो इस प्रकार यह पैसा आपको रोजगार करने के लिए भी मिल सकता है, शादी विवाह पड़ जाए उसके लिए भी आप ले सकती हैं, बीमारी पड़ जाए उसके लिए भी ले सकती हैं, स्कूल की फीस बच्चों की भरनी है, देर हुआ जा रहा है तो आप उधार पैसा लेके फीस भर सकती हैं, लेकिन यह ब्याज सहित अपने समूह में वापसी करना
होगा ताकि बाकी दूसरी दीदी को अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो भी ले सके। फिर टीन सेट अगर आपके घर में नहीं पड़ा है तो ये चीज है, मतलब कि इस तरीके का मैंने आपको बताया है। इस तरीके से अगर आपकी छोटी छोटी आवश्यकताएं पड़ती हैं तो इस आरएफ के फंड में से आपको पैसा दिया जाएगा। इसीलिए यह पैसा सरकार के द्वारा अनुदान दिया गया है, आपके समूह में पड़ा रहता है और समूह में ये ऐसे ही रहेगा समूह के खाते पर। और जब जब आपको छोटी छोटी आवश्यकताओं की जरूरत के लिए पैसे की आवश्यकता रहेगी तो आप आरएफ के फंड में से ले सकते हैं पैसा छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। पैसा लीजिए फिर वापसी कीजिए, पैसा लीजिए फिर वापसी कीजिए, इस तरह ये चक्कर की तरह समूह में राशि चलती रहती है। और जो सीआईएफ का पैसा होता है 1,10,000 रुपए, वह पैसा ज्यादा होता है जिससे आप कोई रोजगार कर सकते हैं। 15,000-20,000 दीदियां लेती हैं, रोजगार शुरू करती हैं, लेकिन सीआईएफ का पैसा भी आपको समूह में ब्याज सहित वापसी करना होता है। और सीआईएफ का पैसा ग्राम संगठन के अंदर वापस जाता है और फिर ग्राम संगठन से सीएलएफ में वापस जाता है। लेकिन आरएफ का 15,000 रुपए कहीं वापस नहीं जाता, यह आपके समूह में ही रहता है, समूह में ही रहता है, चक्कर काटता रहता है। और यह पैसा अगर आपके समूह में आया है तो आप एकदम से इसको आपस में बांटकर खा पी के खत्म मत कीजिए, क्योंकि यह पैसा आपको समूह में दिया गया है आपकी हेल्प के लिए और यह पैसा समूह में ही रहेगा और इस पर प्राप्त ब्याज समूह के बाकी कार्यों के लिए काम आएगा। तो इस पैसे को आप तब तक रखिए जब तक आपका समूह चल रहा है। समूह में अगर आपने दीदी को उधार दिया है तो नियमित उसकी वापसी कराते रहिए, लिखा पढ़ी करते रहिए और जब तक आपका समूह चलेगा यह पैसा आपके पास सुरक्षित रहेगा। उसके बाद यह पैसा आप लोगों को मिलेगा, जितना भी आपके हिस्से में पड़ेगा। यदि सरकार की तरफ से ये आदेश आ जाए उस समय कि नहीं इस पैसे को वापसी लेना है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करिएगा। फिलहाल तो यह अनुदान के रूप में समूह को दिया गया है तो यह पैसा वापसी नहीं।